Hello everyone, in this video you will get to know what is web server, how web server works and what are the services provided by a web server. So सबसे पहले देखेंगे web server क्या है. Web server is a program on a server computer. Web server एक program होता है जो server computer पे installed होता है, right? अब जब भी आप कोई भी information search करते हो, right? आप कहाँ से search करते हो, आप web browser को use करके information को search करते हो, तो वो information आपके पास आती है server computer से, right? तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सर्वर कंप्यूटर, बट ये क्या होता है, कंप्लीट सेटअप होता है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं. ओके, तो सर्वर कंप्यूटर पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वेब सर्वर इंस्टॉल होता है जो क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट आपके पास डेटा डिलीवर करता है, राइट. अब यहाँ पे देखो, अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम ऑन अ सर्वर कंप्यूटर डेट होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेब पेजेस. तो वेब सर्वर क्या करता है, बहुत सारे वेब पेजेस को, वेब डॉक्यूमेंट को पब्लिश करता है, होस्ट करता है एंड डिलीवर्स द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू द क्लाइंट्स. और जो उसके पास रिक्वेस्ट आती हैं, ओके, जिस भी डॉक्यूमेंट की आती है, वेब पेज की आती है, वेबसाइट की आती है, तो वो उसको वेब सर्वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के पास उस वो डेटा सेंड करता है. ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या है, वेब ब्राउज़र है, मतलब आपका कंप्यूटर, और आपने रिक्वेस्ट सेंड की तो वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी सर्वर कंप्यूटर के पास. सर्वर कंप्यूटर के पास जाएगी तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करेगा, वेब सर्वर प्रोग्राम हैंडल करेगा, राइट. The basic objective of web server is to store, process and deliver web pages to the users using hypertext transfer protocol. तो web server का जो objective होता है, जो काम होता है, वो क्या होता है, उसका काम होता है web pages को store करना, उनकी processing करना और उनको according to the request web browser को deliver करना, right? और वो कैसे deliver करता है, with the help of hypertext transfer protocol. Okay? Apart from hypertext transfer protocol, a web server also supports SMTP, simple mail transfer protocol. तो यहाँ पे web server HTTP का use करके आपको आपके according data पहुँचाता है, ठीक है. web browser, आपने जो भी information search की वो आपके पास किसकी help से आती है, hypertext transfer protocol की help से आती है. ओके, इसके अलावा web server SMTP, simple mail transfer protocol को भी support करता है, जो किसके लिए use होता है, email send करने के लिए use होता है, रिसीव करने के लिए यूज होता है, राइट. ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है, टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट कंप्यूटर, ओके, और फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर कंप्यूटर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ द फाइल्स, राइट. क्योंकि जो FTP होता है वो टू वे कम्युनिकेशन करता है, फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर एंड फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट. ओके, मतलब देखो, जब आप HTTP यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है HTTP में. जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर वो उसको डिलीवर कर देगा, ठीक है. ओके, इतना होगा. बट FTP में क्या होता है, जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो सर्वर पे फाइल को अपलोड कर सकता है, वहाँ पे अपनी फाइल स्टोर कर सकता है. ऐसे ही वेब सर्वर अपनी फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता है, राइट. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं सर्वर, वेब सर्वर के. सम एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर्स आर अपाची वेब सर्वर, ओरेकल आई प्लैनेट वेब सर्वर, ये ओरेकल का है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सर्वर. ओके, तो ये अलग अलग कंपनीज के सर्वर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो किए गए हैं, राइट. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ वेब सर्वर वर्क, वेब सर्वर काम कैसे करता है. When client sends request for a web page, क्लाइंट क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है, आपने वेब ब्राउज़र से कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, किसी वेब डॉक्यूमेंट को, वेबसाइट को सर्च करने की आपने रिक्वेस्ट भेजी, राइट. तो रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, आप URL उसका टाइप करते हो, फाइन, या आप क्या करते हो, सर्च बॉक्स में जाके कुछ भी आप लिखते हो, कीवर्ड लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेटा आ जाता है, राइट. तो यहाँ पे क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, द वेब सर्वर सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड वेब पेज. अब वेब, ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, वेब सर्वर के पास गई. ओके, सर्वर कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो है आपका वेब सर्वर, राइट. तो वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. ओके, अब वेब सर्वर क्या करेगा, इफ़ रिक्वेस्टेड पेज इज़ फाउंड, अगर उसको रिक्वेस्टेड पेज मिल जाता है, इट विल सेंड इट टू द क्लाइंट, वो रिक्वेस्टेड पेज को क्लाइंट के पास सेंड कर देगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट. ओके, विद एन HTTP रिस्पॉन्स, राइट. और ये किसके थ्रू भेजेगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से, जो आपका क्लाइंट कंप्यूटर है उसके पास सर्वर डेटा पहुंचा देगा रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट. ओके, इफ़ द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज़ नॉट फाउंड, अगर मान लो रिक्वेस्टेड वेब पेज अवेलेबल नहीं है सर्वर के डेटाबेस में,
राइट right. तो वेब सर्वर प्रोग्राम यहाँ पे क्या करेगा, वेब सर्वर विल सेंड एन HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे वेब सर्वर एक HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, एरर 404 नॉट फाउंड। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सर्च कर रहे हो वो सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है। राइट, द वेब सर्वर कैन हैंडल साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स। एक वेब सर्वर एक साथ साइमल्टेनियस मतलब एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को, मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है और रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ वेब सर्वर। ओके, सो फर्स्ट वन क्या है, सर्विंग वेब पेजेस। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन है वेब सर्वर का, वो है वेब पेजेस को क्लाइंट कंप्यूटर को डिलीवर करना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज टू डिलीवर वेब पेजेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वेब सर्वर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो आप अपने ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, राइट, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और जो भी डेटा आपने डिमांड किया है वो डेटा आपके पास पहुंचाता है यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, नेक्स्ट सर्विस क्या है, रनिंग गेटवे प्रोग्राम CGI एंड रिटर्निंग आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे जो CGI है वो क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। राइट, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ये क्या होता है, ये आप इसको प्रोग्राम कह सकते हैं या स्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो हेल्प करता है वेब सर्वर की दूसरे एक्सटर्नल डेटाबेसेस या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के साथ कनेक्ट करने में और उनसे डेटा लेने में। राइट, तो यहाँ पे देखो वेब सर्वर CGI प्रोग्राम को क्यों चलाता है, मान लो आपने किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करी वेब सर्वर के पास। राइट, ओके, ये आपका कंप्यूटर है, आपने सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करी और वो डेटा सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो सर्वर है वो गेटवे प्रोग्राम मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस को रन करेगा और इसकी हेल्प से वो दूसरे सोर्सेज से कनेक्ट करेगा और वहाँ अगर वहाँ डेटा मिलता है वो डेटा एक्सेस करके वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को सेंड कर देगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसीव्ड द वेब सर्वर नीड टू रन स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड CGI प्रोग्राम विच हेल्प देम फेच द रिक्वायर्ड आउटपुट एज पर द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है, मैंने बता दिया, मान लो सर्वर आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की वो डेटा सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है, तो सर्वर क्या करेगा, CGI मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम को या स्टैंडर्ड को रन करेगा। ओके, और उसकी हेल्प से वो दूसरे वेब सर्वर्स या दूसरे डेटाबेसेस या इंफॉर्मेशन सोर्सेज के साथ कनेक्ट करेगा, वहाँ से डेटा फेच करके उसको वो आपके कंप्यूटर पर डिलीवर करेगा। राइट, अब नेक्स्ट वन क्या है, कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सर्वर। अ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑल्सो इंक्लूड्स वेज ऑफ रिसीविंग कंटेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स। अब क्या होता है, आप जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हो, तो यहाँ पे क्या है, आप सर्वर पे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे सर्वर क्या करता है, उसका कंट्रोल रखता है उसके, आप कैसे एक्सेस करेंगे सर्वर को, आप कैसे एक्सेस करेंगे। राइट, दिस फीचर इज यूज फॉर सबमिटिंग वेब फॉर्म्स। मान लो आपको वेब फॉर्म्स सबमिट करने हैं। राइट, तो आप कैसे वेब फॉर्म में कैसे डेटा फिल करेंगे। ओके, या फिर आप अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हो, पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया का आपको एग्जांपल दिया, आप ऑडियो अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे सर्वर का फुल कंट्रोल रहता है कि आप कैसे सर्वर की जो सर्विसेज हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल द एक्सेस। तो इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी होती है, राइट, तो वेब सर्वर क्या करता है, उसको कम्प्लीटली मॉनिटर करता है, उसको देखता है। लॉगिंग का मतलब क्या है, वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड करता है कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। राइट, तो ऐसा क्यों करता है, द वेब सर्वर ऑल्सो एंश्योर डैट ओनली ऑथेंटिकेटेड एक्सेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे वेब सर्वर ये इंश्योर करता है कि ऑथेंटिकेटेड एक्सेस हो वेब सर्वर, मतलब जो वेब सर्वर की जो भी आप फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, मान लो आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पे। राइट, अब यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, आपने क्या किया, अपने लैपटॉप से अपने अकाउंट को एक्सेस किया, लेटर ऑन आपने क्या किया, आप अपने अकाउंट को अपने TV से एक्सेस कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके फ़ोन पर क्या आएगा, एक मैसेज आएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या ये व्यक्ति आप हो या नहीं हो। अगर आप येस कर देते हो तो आपका अकाउंट सेकेंड डिवाइस पर ओपन होगा, अगर आप नो कर देते हो तो आप
जो आपका अकाउंट है वो सेकंड डिवाइस पे ओपन नहीं होगा बिकॉज ऑफ लॉगिंग। लॉगिंग क्या होता है, जहाँ पे आपका किया हुआ हर इवेंट रिकॉर्ड किया जाता है बाय द वेब सर्वर। ओके, तो यहाँ पे वेब सर्वर ये इंश्योर करता है कि जो एक्सेस किया जा रहा है, जो भी डेटा एक्सेस किया जा रहा है, वो ऑथेंटिकेटेड तरीके से एक्सेस किया जाए, एंड दस दे कीप रनिंग मैनी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स एंड कीप लॉगिंग ऑल द एक्टिविटीज़। तो आप ये मत सोचो कि आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो एक एक चीज़ जाके स्टोर हो रही है कि आपने क्या क्या किया है, आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, राइट। तो यहाँ पे वेब सर्वर हर चीज़ का डेटा रिकॉर्ड करके रखता है, जिसको लॉगिंग कहा जाता है, लॉगिंग प्रोसेस कहा जाता है, हर चीज़ को आपकी एक एक एक्टिविटी को वो मॉनिटर करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। Many generic web servers also support server-side scripting using active server pages, PHP or other scripting languages. तो यहाँ पे देखो एक इसका जो use है वो बताया गया है कि ये server-side scripting भी support करता है। server-side scripting की help से आप क्या करते हो, आप web pages के साथ interact भी कर सकते हो। मान लो आपको form fill करना है किसी web page पे, आपने form fill किया, आपने submit का button click किया, तो आपका data जाके server पे store हो गया। वो किसकी help से हुआ है, वो server-side scripting की हेल्प से हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट होते हैं, वो पेजेस जिस पर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट, आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। स्टैटिक वेब पेजेस कौन से होते हैं, जो जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देख रहे हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बट डायनेमिक वेब पेजेस पर जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो सर्वर के साथ, तो क्या रन करता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, वो रन करती है, तब डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट होते हैं और आप डायनेमिक वेब पेजेस पर इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।